हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि और मेरे शशि गार्डन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे कोकोपीट की विधि शेयर करने वाली हूँ। ये कुछ नारियल के ऊपर के कवर मैंने ले रखे हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, आप सबसे पहले नारियल के ऊपर के सारे छिलके उतार लीजिए। उसके बाद देखिए, हम इसे कैंची की सहायता से छोटा छोटा काट लेंगे। मैं आपको दोबारा ये सब काट कर और ग्राइंड मिक्सर में डालकर फिर मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है कैंची की सहायता से। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मिक्सर के जार में। इसे आप थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना, क्योंकि इसके ऊपर के जो ये रेशेस हैं ये सारे ऊपर आ जाएंगे। और इसे ग्राइंड करते वक्त अपने मुंह को ज़रूर रखिएगा। एकदम से मत खोलना, थोड़ा रुक कर खोलना। ये देखिए, इसके ऊपर के जो ये रुवे जो आ गए हैं इसे हम हटा देंगे। और ये नीचे का जो भी बचा है बारी बारी, इसे हम छलनी की सहायता से छान लेंगे। अभी मैं सारा इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ, इसको एक साथ छान लूँगी तो ये जो बड़े बड़े रेशे से ये निकल जाएंगे और बारीक बारीक कोकोपीट हमारा बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस सबको ग्राइंड करके फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब ग्राइंड कर लिया है और ये गेहूँ छानने का छलना है जिसकी मदद से मैंने इसे छान लिया है। और छानने के बाद में देखिए, ये इस तरह का कोकोपीट तैयार हुआ है जिसे हम अपने सॉइल मिक्स में मिलाकर अपना प्लांट लगाएंगे। और बाकी सीडलिंग के लिए भी यह बेस्ट है। और यही कोकोपीट हमें मार्केट में ऑनलाइन पर 80-90 रुपीज़ पर केजी मिलती है। इसके बाद जो वेस्ट हमारा बचा हुआ, ये इसे भी हम वेस्ट नहीं कहेंगे। हम अपने गमले की नीची सतह पर, जहाँ पर हम कुछ कंकड़ पत्थर डालते हैं इस छेद को कवर करने के लिए, वहीं पर हम इसे बिछा देंगे। और ये क्योंकि पानी की कवरेज को, ड्रेनेज होल को अच्छा रखता है और पानी को कवर करके रखता है। तो आप इसे गमले की नीची सतह पर बिछाइए, उसके ऊपर अपनी सॉइल मिक्स डाल दीजिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग।